मेरे इस किसान की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन जी यादव और आदरणीय हमारे क्षेत्र के पास से ही उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश जी देवड़ा जी और एमपी के कृषि मंत्री और किसान के सबसे बड़े हितेशी आदरणीय भाई साहब श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र सुसनेर विधानसभा के अंतर्गत जो भी गांव है, सभी किसानों की स्थिति इस समय बहुत दयनीय हो चुकी है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनय करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस समय माननीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आप जो सदैव हमारे साथ अभी तक जब भी किसान में संकट आया है, आपने हर समय हमको संकट से बाहर निकाला है और इस समय यही नहीं अभी तो आसपास के ज़िले उज्जैन, मंदसौर, देवास, राजगढ़, पास से ही लगा निकटवर्ती क्षेत्र झालावाड़ ज़िला, जिसमें जब सोयाबीन निकाल ली गई उसी समय कट के तैयार हुई, फसल तैयार हुई, कहीं कटी है, सिर्फ और सिर्फ 5% किसानों ने अपनी फसल को निकाल चुके हैं, बाकी 90-95% सोयाबीन अभी खेतों में पड़ी है और ऊपर से मूसलाधार बारिश विगत 5-6 दिनों से हो रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हमारी सोयाबीन खेतों में पड़ी है, पानी भरा है, आप भी एक बार इसको देखें। आदरणीय भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, ये स्थिति हमारे क्षेत्र की किसानों की सोयाबीन की अभी बन रही है। सोयाबीन पिछले 4-5 दिनों पहले कट चुकी है और खेतों में पानी भरा है, ना तो इसको ले सकते हैं, सड़ चुकी है बिल्कुल, उग चुकी है ये, ना तो ये बिक सकती है अब, ना ही इसका कुछ हो सकता है। तो मैं आपसे बस एक बार इस फसल को देखिए, क्षेत्र की फसलें और हमारे ज़िले की फसलें जो है आप देखिए, देखकर उचित मूल्यांकन करवाए, सर्वे करवाए। आपका किसान इस समय संकट में है। ये हालात जो है हो चुकी है, जिधर देखो उधर पानी है, खेत में जा भी नहीं सकते अपन। पिछले 5 दिनों से ये सोयाबीन कटी हुई पड़ी है, जिसको हम इकट्ठा भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सोयाबीन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो अभी खड़ी हैं, ये आधी कटी हैं और आधी जो है इकट्ठी कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 5-10% सोयाबीन अभी इकट्ठी हुई है और इंद्रदेव जो है अपनी क्या दृष्टि लगाई कि हमारी तरफ पिछले 5-6 दिनों से पानी गिर रहा है। आदरणीय भाई साहब, आप उचित मार्गदर्शन हमारा करें। आदरणीय भाई साहब,
आपसे बहुत ही हम अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आपने हर समय क्षेत्र के अन्नदाताओं को जब भी संकट आया, एक आप ही है जो आपने हर समय संकट के समय में हमारा साथ दिया, किसान को संकट से निकाला। आपसे विनय अनुरोध प्रार्थना करता हूँ। मैं जगदीश प्रसाद शर्मा, निवासी ग्राम मैना, तहसील सुसनेर, जिला आगरमालवा, आपसे विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र क्षेत्र की सर्वे करवाकर जो भी राहत कोष आपके अंतर्गत आती हो, जो भी बीमा मुआवजा किसान को मिल सकता हो, वो आप निश्चित क्षेत्र को दिलवाएं। आपसे यही अपेक्षा है। आप हमेशा हमारे साथ थे और हमें आपसे बड़ी अपेक्षा है कि आप हमेशा हमारे साथ दोगे। ये हम सभी किसान भाई आपसे बहुत प्रार्थना करते हैं। आपका किसान इस समय सबसे बड़े संकट में है, एक ही बात है और आपको बिल्कुल ये बात सुनना है कि आपका किसान इस समय संकट में है। और हम आशा करते हैं आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जब आप एमपी में थे तो आपने बहुत सहयोग किसानों का किया, और इस समय भी भाई साहब आदरणीय मोहन जी यादव जी, आप भी अपना जो भी किसान राहत कोष हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान में इस पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप किसान को संकट के समय में आप जब साथ दोगे, किसान बिल्कुल आपका साथ देगा, सदैव देता आ रहा है। आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी का भी दिया है और आपका भी निश्चित तौर पे किसान साथ देगा। बस इस संकट के समय में आप जो है किसान के साथ में हो जाइए, उचित सर्वे करवाइए, आप भी देखिए क्षेत्र को की स्थिति क्या बनी हुई है। बिल्कुल पानी भरा हुआ है खेतों में और सोयाबीन पड़ी हुई है, बड़ी दुर्दशा इस समय किसानों की हो रही है। बाकी सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। बाकी जब शेयरिंग चलेगी तो आदरणीय भाई साहब तक बात पहुँचेगी, और बात बात जहाँ तक अपन मांगेंगे नहीं, उनको अवगत नहीं करवाएंगे, वो भी उनका ध्यान इधर इस ओर आ सकता है। तो बिल्कुल आप भी कोशिश करिए और जो है मेरी बात को आदरणीय भाई साहब श्री मोहन जी यादव जी, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जगदीश जी देवड़ा जी, आदरणीय और भाई साहब हमारे जन जन के हितैषी किसानों के लाडले माननीय शिवराज सिंह जी तक इस बात को आपको पहुंचाना है। तो आपको आपका एक ही काम है कि इस वीडियो को अभी तक और सब तक आदरणीय सभी अधिकारियों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान भैया।